हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं प्लैनेट ब्लू। कुछ लोगों का सवाल था कि अगर उनके पास केज नहीं है तो क्या वो कार्डबोर्ड में रख सकते हैं, और कुछ लोगों ने कहा था कि अभी केज नहीं खरीद पा रहे हैं, बाद में लेंगे तो क्या कार्डबोर्ड में रख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में यही हम जानेंगे। तो चलिए, तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अगर कार्डबोर्ड में रखते हैं तो उसके क्या नुकसान है और फ़ायदा क्या है। वो सिर्फ एक ही है, वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। और यहां पे मैंने अपनी दोनों गिनी पिग्स ले ली हैं, मेल फीमेल बच्चे, और मैं इनको यहां पे केज में छोड़ने वाला हूं, यानी कि हमारे कार्डबोर्ड बॉक्स में जो हम सेटअप बनाएंगे केज की तरह, तो उसमें हम छोड़ने वाले इनको। और 6 घंटे के लिए, 6 से 7 घंटे के लिए मैं छोड़ूंगा, क्योंकि एक फीड के बीच में इतना ही गैप होना चाहिए। और हम ये ट्रायल लेंगे कि बाय चांस आप अगर जॉब करते हैं या फिर आप अगर कोई स्टूडेंट हैं, और जैसे कि आप इनको फीड करके कार्डबोर्ड बॉक्स में रख के अपने ऑफिस या स्कूल गए हैं और वापस आते हैं, तो क्या नुकसान हो सकता है आपका, उसके बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए ये लोग कैसे लड़ने लगे आपस में खाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर ये 2 ले लिए, और बस करेंगे हम ये कि मैं एक कार्डबोर्ड बॉक्स लूँगा जो कि मेरे पास रखा हुआ है, और फिर उसमें सेटअप बनाएंगे। तो अभी वैसे भी ये छोटे हैं और ज़्यादा लंबा इनको रख नहीं सकते बिना फीड के। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये बॉक्स ले लिया है, और इस बॉक्स में मैं छोड़ूंगा इनको, और उससे पहले हम इनका सेटअप करेंगे। तो सेटअप में यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल सा डब्बा है, इन लोगों के लिए काफ़ी बड़ा है, और काफ़ी इसमें एयर भी रहेगी, काफ़ी अच्छा इसमें एनवायरनमेंट बन जाएगा, थोड़ी सी हीटनेस भी रहेगी। तो उससे पहले मैं ये गर्म कपड़ा इसमें बिछाऊंगा। गर्म कपड़ा इसलिए बिछा देंगे क्योंकि ये इसमें घुस के खेलेंगे भी, और ये पूरा प्लेन कर देगा सरफेस को, ताकि ये जो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कहीं कहीं गत्ता उठा हुआ है, इससे क्या है गिनी पिग इसके अंदर घुस जाएंगे तो यहाँ पे कुतरेंगे फाड़ेंगे, जो कि इसमें नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके पास केज नहीं है और आप पहली बार ऐसे लाने का सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि कुछ दिन के लिए गत्ते में रख दूँ, तो आप कैसे रख सकते हैं, कैसे सेटअप करना है आपको, वो मैं दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने चारों कोनों से इसको मोड़ दिया है यहाँ पर, और थोड़ा सा प्लेन हो गया ये। ये हम चाहें तो नीचे भी फोल्ड कर सकते हैं। और अब करेंगे इसमें हम फूड का सेटअप। ये देखिए यहाँ मैंने एक घास रख दी है, और थोड़ा सा जगह ज़्यादा ले रही है, मैं इसको काट के फिर रखता हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ घास काट दी है, और अब मैंने यहाँ एक कोने में घास रख दी है, और अब फीड में हम इनके लिए दूसरी चीज़ रखेंगे, जैसे कि यहाँ गाजर। तो ये देखिए यहाँ कितनी सारी गाजरें मैंने रखी हैं, ये रैबिट और गिनी पिग के लिए ही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 10-15 दिन चलेगी, और अगर हम सही से चलाएं तो, वरना इतनी सारी गाजर ये लोग बैठ के ऐसे खा जाएं। ये देखिए यहाँ गाजर छील के मैंने दे दी। तो गाजर और घास मैंने इसमें रख दी है, तो ये ज़्यादा लिक्विड वाली चीज़ भी नहीं है, और मैंने पानी भी इसमें नहीं रखा है। तो ये सर्दियों का टाइम है, तो अगर हम पानी ना भी रखें तो चल सकता है, क्योंकि ये जो भी फीड लेंगे उसमें से पानी की कमी पूरी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें बीच में सिपर लगा देनी होगी। और अभी लगभग 6 घंटे की बात है, तो 6 से 7 घंटे मैं इसमें इनको छोड़ूंगा, और फिर दिखाता हूं कि ये कार्डबोर्ड की क्या हालत करेंगे, और हमें उसमें रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए इसके बारे में। तो ये देखिए रखते ही इन लोगों ने खाना शुरू कर दिया है, और अभी गत्ता बिल्कुल चमचमा रहा है। तो यहाँ पर और भी चीज़ रख देते हैं हम खाने के लिए ड्राई आइटम में, जैसे कि एक मिनट मैं ले आता हूँ ये अनाज, मैं ये रख देता हूँ। इसमें गेहूँ है, और थोड़े से काले तिल मिले हुए हैं, थोड़े से चावल भी हैं, और बाजरा भी है। तो ये रख देते हैं हम यहाँ पे कोने में। इससे क्या है, ये प्लेट ऐसी है चपटी सी, इसको ये लोग दबाएंगे भी तो फैलेगा नहीं, हाँ, लेकिन अगर कूद फांद के इसमें कुछ करेंगे तो भले ही गिर जाए। तो चलिए अब हम यहाँ इनको रख देते हैं, और फिर मिलते हैं 6 घंटे के बाद, देखते हैं हालत। तो फ्रेंड्स 6 घंटे बाद यहाँ ये देखिए मैंने कपड़े से भी इसको ढका हुआ था, और ये देखिए अंदर नमूनों ने, ओ ये देखिए 6 घंटे बाद यहाँ दावत पूरी हो गई है। गाजर देखिए कितनी सी छोड़ी है इन लोगों ने, और यहाँ पे देखिए अनाज भी ख़त्म है, और ये देखिए कपड़ा बहुत गीला कर दिया है। ये गीला कैसे हुआ, क्योंकि जो भी इनके टॉयलेट था और जो इन्होंने गाजर खाया है, इसकी वजह से इन्होंने इस पर जो भी
सूसू पॉटी किया, सारा कुछ कपड़े ने सोख लिया, लेकिन कपड़े के सोखने के साथ साथ गत्ते ने भी सोखा। और जैसा कि टेम्परेचर मैं इसमें छोड़ के गया था, अब वैसा बिल्कुल नहीं है इस गत्ते में। अब ये ठंडा होने लगा, मैं पहले इनको बाहर निकाल देता हूँ। ये देखिए मैंने इनको बाहर निकाल दिया, और ये सारा कुछ मैं बाहर निकालता हूँ ज़रा। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे अनाज भी फैला दिया है, लेकिन खाया है काफ़ी। ये देखिए जगह जगह पे, यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा गीला हो गया है। और नुकसान ये है कि ऐसे ठंडे टाइम पे या फिर हम अगर गर्मी में भी रखते हैं तो इनको सर्दी बहुत जल्दी लगेगी और सर्दी बैठ जाएगी। ये देखिए काफ़ी हद तक तो गत्ते ने सोख लिया, लेकिन ये ज़्यादा सोखेगा नहीं क्योंकि एक साइड से काफ़ी गीला ये बाहर से भी नज़र आने लगा था। ये देखिए और यहाँ कितनी गंदगी है। तो हम एक तरीके का, अगर हम कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो हम भले ही गत्ते में रख दें, बाय चांस हमारे पास केज नहीं है और हम सोच रहे हैं कि शाम तक ले आएंगे, तो अगर आपका ऐसा कोई प्लान है तो आप रख सकते हैं एक आध दिन के लिए। लेकिन आप परमानेंट कोई हिसाब बनाना चाहते हैं कार्डबोर्ड के अंदर तो काफ़ी नुकसानदायक है। आपका गिनी पिग उसमें मर भी सकता है, उसको ठंड लग सकती है, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप देख ही रहे होंगे अगर 6 घंटे के अंदर इन्होंने ये हल किया है तो कितना ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। और ये तब इन्होंने ऐसा हल कर दिया गत्ते का और कपड़े का जब मैंने यहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं रखा था। तो अगर आप लोग ऐसा सेटअप करना चाहते हैं तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, कुछ दिन के लिए या कुछ देर के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि हमने कार्डबोर्ड में रख दिया और काम चल गया, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते वरना नुकसान हो जाएगा। और ये देखिए कितना गीला किया इन्होंने, ये देखिए मैंने दीवार पे यहाँ पोंछा है, और ये देखिए इनका सूसू और दीवार गंदी हो गई, और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा गीला हो गया। बाकी का जो सोखा है उसने वो चारों ओर फैल गया, लेकिन गत्ते में रखना काफ़ी नुकसानदायक है। यहाँ गत्ते में रखने से सबसे पहली बात तो इनको ठंड बैठेगी और धीरे धीरे ये ठंडाने लगेंगे और इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, पतली पॉटी होने लगेगी, और फिर उसके बाद गिनी पिग का बचना बहुत मुश्किल है। एक आध दिन के लिए करना तो ठीक है। तो देखिए अब इसमें कुछ भी मैं बता दूं, बात का एक ही निचोड़ है कि थोड़ी देर के लिए, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए गत्ता ठीक है, उससे ज़्यादा गत्ता ठीक नहीं है, चाहे हम कितना भी अच्छा सेटअप कर दें, कितनी भी अच्छी इसमें बेडिंग कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, सब मैंने आपको लाइव दिखा दिया है कि नुकसान क्या है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।